Assalamualaikum guys, welcome to Fiza Shahzad Vlog. आज 2024 की ईद उल फितर है. रमज़ान के बाद रात को हमारे तो खैर पूरे रोज़े हुए थे, हमने सऊदीया के साथ रोज़े रखे थे और आज ईद है और अभी हम लोग सब निकल रहे हैं. ये देखें शादी भी पीछे रेडी खड़े हैं, दानी है, अंसर भाई है और एक दो बंदे और पीछे आ रहे हैं. अभी हम लोग निकलेंगे नमाज के लिए. मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ना मुझे हेयर कट का टाइम मिला है, ना मैंने ख़त किए करवाए, कोई टाइम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका. आज अभी नमाज़ पढ़ के आऊँगा, फिर जाऊँगा सब कुछ करवाने के लिए. और अभी हम लोग निकल रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बस वेट कर रहे हैं. ये देखें, ये अभी अंसर भाई, दानी, वसीम भाई, शाजी भाई सब लगे हैं. तो ये सब लोग आ रहे हैं बाहर. तो ईद मुबारक आपको. थैंक यू सो मच. नमाज के बाद ऑफिशियल ईद मुबारक होगी. और हमारे साथ है अंसर. ईद मुबारक. हेलो तो बड़ा करें प्रोसेस. अंसर बड़ा है वैसे भी. अच्छा अच्छा ठीक है this year we are celebrating together, isn't it? गाड़ियाँ कौन कौन लेके जा रहा है? अच्छा ये है अंसर की गाड़ी है. उसके बाद आई थिंक चिराग लेके जाएगा. हो सकता है आप भी लेके जा सकते हैं अगर चिराग ही लेके गया. तो मेरी भी जाएगी. मेरी हो सकता है. तो एनीवे गाइस विल सी यू लेटर ऑन. अभी हम लोग नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, बस घर से सबका वेट कर. टाइम यार ज्यादा हो गया, 10 बजे नमाज है, 10:30 बजे और ये सारे अभी तक अंदर नहीं है. टाइम हो गया, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लोगों का. निकलेंगे अभी नमाज पढ़ने के लिए. आफ्टर नमाज आपको बताते हैं कि क्या सीन होता है इंशाल्लाह. गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, रास्ते में हैं. दानी की मर्जी नहीं थी गाड़ी निकालने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको गाड़ी निकालनी पड़ी क्योंकि इसको जो है बहुत शौक भी है गाड़ी का. तो अभी टाइम हो गया है 10:03, 10:30 बजे नमाज है और अकॉर्डिंग टू गूगल में हमें 13 मिनट और लगेंगे मस्जिद पहुँचने के लिए. तो अभी वी आर ऑन आवर वे टू मस्जिद इंशाल्लाह. ये आप देख सकते हैं और आज मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वरना तो क्लाउडी. कल तो बारिश थी बहुत ज़्यादा, आज मौसम बहुत मज़े का है माशाल्लाह. अल्लाह का शुक्र है आज रेनी वेदर नहीं है. और हम लोग छः बंदे एक गाड़ी हमारे आ रही है, आंसर भाई की गाड़ी आ रही है. वो तीन लोग उस गाड़ी में, हम लोग इसमें जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सीन है. अभी आपको दिखाते हैं. शाम को हम लोगों ने जाना भी है, उसका डिनर भी है आज, तो उधर भी जाना है. तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे. हमेशा और हमें हमेशा रिस्क पे लेके जाता है जहाँ भी इसको लेके जाना होता है. तो ये बहुत खतरनाक है दानी. आप मुझे पेट्रोल ज्यादा लगता है. गाइस आज दानी बड़ा खुश है, ईद मना रहा है. इसकी पहली ईद है, पहली ईद है, दूसरी ईद है. तो पहली ईद में आमीन टू से लाइक वाज इन यूके, बट इट्स द सेकंड ईद फॉर हिम. और हमजा बैठा हुआ है. तो गाइस द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज के हमारे साथ एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना बच्चा भी ईद मना रहा है, जिसका नाम है माहिर. हमारा पटाखा, हमारी जान, हमारा दिल, वो घर पे है और हम ईद पढ़ने के बाद जाएंगे, उससे मिलेंगे, उसको ईदी देंगे और उसके बाद जो है हम आपसे फिर बात करते हैं. गाइस अभी हम लोग
मस्जिद के पास पहुंच गए। अभी आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी क्यू लग गई है गाड़ियों की, और पार्किंग मस्जिद के अंदर तो बहुत मुश्किल ही मिले, बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है आज पार्किंग मिलना, क्योंकि सब लोग ये देखे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और अभी जो है गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं और जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। गाइस ये देखें बिल्कुल हम मस्जिद के बाहर हैं, और ये पहले वॉलंटियर्स इन्होंने बाहर खड़े किए हुए हैं जो रोक रहे, अंदर आप नहीं जा सकते गाड़ी लेके क्योंकि अंदर बिल्कुल पार्किंग फुल हो गई। अब ये देखें कितना रश है अभी यहाँ पे मस्जिद में, और अभी ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, 10:30 नमाज है। मुझे तो लग रहा है अगर हम टाइम पे पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात होगी, मुझे मुश्किल ही लग रहा है टाइम पे पहुंचना अभी, क्योंकि पार्क करनी है गाड़ी। लोग माशाल्लाह जा रहे हैं मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, और हम लोग जलील हो रहे हैं पार्किंग ढूंढ रहे हैं। गाइस एट द एंड वी गॉट द पार्किंग इन द बिजनेस पार्क, द बिजनेस पार्क वी आर नेक्स्ट टू ऑल्डी एज़्डा, दिस इज द पार्किंग फॉर अस हियर। दानी इज कमिंग, दानी इज कमिंग। और हमजा ठीक हो? बड़ी मुश्किल से मिली है यार पार्किंग। हाँ, तो अभी हमने वॉक करके जाना है, इट्स अ 5 मिनट वॉक, विल सी यू देन। गाइस ये आप क्राउड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी द लास्ट प्रेयर इन शाहजहान मास्क, एंड देयर माइट बी अनदर प्रेयर, बट दिस इज द थर्ड प्रेयर विच is going to be in one of the first mosque which is in UK. It is situated in Woking, Surrey, and it was built in 1989, one of the first mosque, Shahjahan Mosque. You can search and have a history from the Google, and guys we'll see you in a bit. This is the entrance of Shahjahan Mosque. Guys, as you can see, the people going in there. Guys, ये मेरे साथ जो है ये दानी है, and Hamza, you can't even see. कैसे हो? अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और बहुत ट्रैफिक इस टाइम, और बहुत रश है, और इंशाल्लाह नमाज के बाद आपको मिलते हैं। तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। ये गाइस हम जो हैं शाहजहां मास्क में पहुंच चुके हैं। Yeah, this mosque was actually built, and we are going towards the main halls, and this is the parking area of Shahjahan Mosque, and can you see? It looks amazing, mashallah. And these, if you can see further down there, there are 3 big halls. And there you guys. Guys, ये बच्चों के लिए जो है तफरी का मुकाम है। This hall is always full. We are going to the second hall. Dani and Hamza, they are in front of me. इंशाल्लाह जगह मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप देख सकते हैं गाइस वो है शाहजहां मास्क, दिस इज द पार्किंग एरिया, दिस इज द प्ले फील्ड फॉर द किड्स। हमजा गाइस दिस इज द थर्ड हॉल व्हिच इज हियर इन शाहजहां। गाइस ये देखें ये लोग अभी आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए सब। मैंने आमिर मामू को भी फाइंड आउट कर लिया कहीं पे। ये है जी सात गाइस, वसीम, हेलो वसीम, हम कैसे हो? अच्छा, और शिराज, हेलो शिराज, ईद मुबारक। आंसर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये हम सारा ग्रुप आए हैं गाइस। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक,
ईद मुबारक पकड़े दिए ईद मुबारक ना जी ईद मुबारक ये पकड़ दे चलो जी वीडियो जो मिल रहा है हमारा उधर ही बन रही है ना चल ये हमारे मामू ही गाइस मॉडल आदमी से आज बहुत देखिए आज कैसे दोबारा गाइस ये एंड हो रहा है नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह क्या शाह साहब आप खुश हैं खैरियत से आपने नमाज ईद अदा की है उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं हमें ईद मुबारक आपको टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग अस या ठीक है थैंक यू सो मच शाह साहब हां जी अंसर आपका क्या जी आज के बारे में बड़ी अच्छी ये बहुत ही गलत बात है एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉकिंग टू अस एंड यू टॉकिंग टू द मोबाइल एज़ वेल बेइज्जती कर रहे हो या जी हां जी के ईद के बारे अभी हमने बस नमाज पढ़ी अभी जाएंगे लोगों से मिलेंगे दोस्तों से मिलेंगे खाएंगे पिएंगे अच्छा चलो जी काम चलो ये जी वसीम आ रहा है और ये हम सब हैं गाइस ओके दानी डू यू वांट टू से समथिंग नो ही इज ऑलवेज अच्छा हमजा ओके देन या मैं घर बात कर ओके देन गाइस अभी रश बहुत है और हमजा हमने नमाज पढ़ ली है हाउ यू फीलिंग नाउ नमाज हो गई है खैरियत से हाँ जी अभी सबको ईद भी मिल ली है अमर भी मुझे ले आए थे सॉरी मैं आपके साथ ही आ गया था अमर मेरे साथ आ गया था अच्छा अच्छा तो अभी बस निकलते हैं घर के लिए माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है आज मौसम बहुत अच्छा है और नमाज जो है वो पूरे थ्री जो हॉल थे बड़े बड़े वो सारे भरे हुए थे आई थिंक चार हॉल थे एक तो औरतों का था हाँ माशाल्लाह जी तो गाइस फिर हम आपको अपडेट करते हैं फर्दर सो गाइस अभी हम लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिल्कुल दानी ने इस टाइम मुझे लगता है बिल्कुल इसको चढ़ी हुई है जो ये इतनी तेज चला रहा है गाड़ी कुछ समझ नहीं आ रही इसकी और अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन होता है और अभी माशाल्लाह बिल्कुल हम अपने घर की रोड पे पहुँच चुके हैं और घर जाके ईद मिलेंगे दानी प्लीज बिहेव योरसेल्फ प्लीज और this guy is doing jogging right now aur bilkul ye bechara warm up hua abhi hum log bilkul ghar ki taraf mud rahe hain aur meri se dadi ye khadi hai gaadi guys ghar hum pahunch chuke hain ha mashallah ye shaadi ki gaadi lag gayi hai aur ab eid hum log ghar walon se milenge aapko main dikhata hu yaar darwaza khulo yaar mera ghar एक तुम गाड़ी में बैठे रहोगे आज शायद भी इसको दरवाज़ा खोल दो ईद हम लोग घर पहुँच आए अभी घर वालों से ईद मिलेंगे हाँ मैं कह रहा था अंदर ही से कोई खोल लेता खोलें यार आप चाबी नहीं दानी यार ओपन द डोर प्लीज लगता है आ जानती ना खाना पकाया है गुड या दरवाजा खुला हुआ था अलग अवस्था है गाइस घर में कोई है ही नहीं वैसे घर में कोई भी भाई अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक ये हमारी सेवा की जा रही है पराठे बन रहे हैं चाय बन चुकी है माशाल्लाह आप बताएं फर्स्ट ईद इन यूके हाउ यू फीलिंग नाउ बहुत अच्छा फील कर रही वो तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में ये कुछ नहीं होता ना अच्छा चल भी टेक ओवर करें मुझे फोन आ रहा है मजा आ रही है अच्छा जी ये नाश्ता बन रहा है हमारे लिए तो थैंक यू सो मच पवन किधर की माहिर
माही इज अपस्टेयर्स सो रही है। अच्छा अच्छा जा रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। आओ जी मामू हमारे इधर नहीं दे रहा वैसे ब्लॉग बना रहे करता हूँ मामी का घर ही मिलो इस्लाम को ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक बहुत बहुत आप वो पराठा बना रही हूँ गाइस ये हमारा पटाखा भी सोया हुआ है ईद की पहली ईद इस पटाखे की ये पटाखा हमारा छोया हुआ है गाइस इतना पाला सा पटाखा छोया हुआ है दूध लेके गाइस तो इसको हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं मेरा पाला सा पटाखा छिटके जाओ छिटके जाओ गाइस ये हैं जी बिस्किट्स जो हमने साउथ हॉल से लाए हैं और नाश्ते की तैयारी हो रही है ईद की नमाज पढ़ के आ चुके हैं। ओके गाइस अब हम घर पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बन रही सही नजारों में ठीक है। ओके गाइस हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाश्ता हमने क्या बनाया है और नाश्ता बनाया जो है वो पवन ने बनाया है पराठे बनाए और चाय बनाई है और देख सकते हैं आप यहाँ पे गाइस ये हैं जी साउथ हॉल से कल बिस्किट वगैरह लाए थे और ये है चना चाट और ये हैं जी केक्स और ये हैं यमी यमी पराठे माशाल्लाह से पराठे बहुत नाइस हैं लेकिन मैं खा नहीं सकता वेरी सॉरी। तो ये हमजा हमजा चेंज करके बैठ चुका है हमजा क्या मैं अभी तो मैं रेडी था ही नहीं मैं अब जाऊंगा हेयर कट कराऊंगा। अच्छा क्योंकि हमजा कल लेट जॉब से आया है तो उस वजह से इसको टाइम नहीं मिला अभी मैं जाऊंगा तो इसने सुबह सुबह मैंने इसको तैयार किया मैंने कहा कपड़े अंडे भी बांध रहे हैं। अच्छा जी अंडे अंडे बांध रहे हैं जी ये देखें जी अंडे अंडे फ्राई हो गए और सुबह सुबह पवन वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू मेड द सेवैया सेवैया दे वर वेरी नाइस गाइस ये मैंने बड़े अरसे के बाद सेवैया खाई हैं कोई 10 सालों के बाद खाई हैं। अच्छा ये जो ये शादी का पेट गाइस ऐसे ही निकल आया था हवा से खाई है ना भी छुई तो आज का ये पेट इतना गुनाहगार है ये हमेशा कहता है आज का व्लॉग जो है गाइस सुइयां बहुत अच्छी हैं और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग सर्व्ड बाय ब्यूटीफुल नाश्ता विद सुइयां अंडे एंड पराठास एंड नेक्स्ट व्हिच वी आर गोइंग टू शो यू लेटर ऑन माहिर इज स्लीपिंग बाय द वे दानी do you want to send any message to your family back home? I'm sending a message. Guys, who you talking to then? अस्सलाम वालेकुम जी अल्लाह का शुक्र तबीयत ठीक है क्या कर रहे हो अच्छा तुम ये ठीक है ना चलो मेरी तरफ सब बहुत बहुत ईद मुबारक अल्लाह पाक जिंदगी सेहत देवे ते गल करो दानी नाल इंशाल्लाह फिर मैं गल करसा खुला दरवाजा आमीन आमीन सुम आमीन। गाइस ये लेट हो चुके थे क्योंकि ट्रैफिक में फंस चुके थे वसीम और शिराज हुआ रहे ये देखें इसके साथ आंसर भी है ये बाहर से मेरे को कैप्चर कर रहा हूँ तो हेलो गाइस इधर बहुत सारा त्वाट हुआ है। अच्छा जी गाइस ब्लॉग बन रहा है ये हम सब बैठे हुए हैं और ये चिनारी और मुफ़ाबाद के सारे सपूत यहाँ पे बैठे हैं गाइस गाइस अभी मसला ये हुआ है कि जगह कम हो गई है जगह कम हो गई है हमजा ये चीजें उठाओ हमजा हेल्प कर रहा है हमजा हेल्प करो हमजा बड़ा गुड पर्सन हो गया हमजा हमजा यू आर वन ऑफ द बेस्ट मैन छोटे सा जगह की वजह से गाइस हम इधर आ चुके हैं और ये हो रहा है नाश्ता नाश्ता है 12 o'clock ये हमारा एक पहाड़ी बंदा वो आ गया हुआ है
अच्छा खाते खाते चलो जी दानी। मेरे ये दानी का बर्थडे आ रहा है जी गाइस, कब आ रहा है? 29th अप्रैल। जब तक मंगनी नहीं हुई सिंगल उसको एंजॉय करना। वो मोबाइल ईद मोबाइल ईद मोबाइल बिस्मिल्लाह चलो बैठो बिस्मिल्लाह चलो बिस्मिल्लाह 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 चलो जी से सही दिल काट चलो जी नहीं नहीं चलो जी नहीं नो वन ईदी नो ईदी देखे कपड़ा सस्ता ईदी और कडो ईदी चलो जी शाजी ईदी दे रहे 2 3 चलो 4 वाओ कठे दे उसने सारे पड़सी यार व्लॉग बन रहे तुम इसी तरह हो गए चलो जी ये 3 4 5 बस 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 एक कॉल दे दस और दिस अमीन हो गया बच्चा अमीन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अकाउंटेंट हूँ इसका चलो जी ईदी सारे दो सारे तो ना चलो जी आप इसको ईदी दो ये पकड़ो इसकी ईदी ईदी शादी की तरफ से इसकी ईदी है जी अभी अभी वसीम भाई की तरफ से ये ईदी वसीम बजे हो गए बेबी के माशाल्लाह पैसे पैसे फेंक रहे हैं तू जिसने उठाई हुई है ना कवर अप कर रहे चल ईदी दे मुझे दे अभी इसको इसको मुझे दो ये मेहरबानी वाओ बेबी की ईदी ना दो ना अभी ब्लॉग में आएगा आपकी ईदी है छोटी चल ना अपनी वो भी पैसे पसंद आ गए वो देखो वो पैर ईदी दे ले माशाल्लाह 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 ये गाइस इस बच्चे की हमारे पटाखे की पहली ईद थी और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है ये इसकी पहली ईदी है गाइस ओ बूट ये ले माहिर की मम्मा चलो मम्मा के जाओ बस वीडियो बना चलो जी रुको रुको मैं यहाँ से मैंने ये मम्मा की तरफ से ईदी ये ये जी अंशद चाचू के पास माहिल आ गई है आज ईद का दे पहली पहली ईद है जी माहिल की पहली ईद ओ ईदी दे ले अंशद चाचू माशाल्लाह से ईदी आ गई जी ओए ये कितनी ईदी दी अंशद चाचू आपने कितनी है ओए 20 pounds अंशद चाचू ने 20 pounds दिए हैं माशाल्लाह 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 गाइस ये जो एक खाना बना हुआ है हर बंदे ने अपने अपने घर से खाना लाया है हर पार्टी ने कितनी फैमिली है सुल्तान भाई तकरीबन 12 12 फैमिली है और 12 फैमिली ने 12 डिशें लाई है ना तकरीबन ये देखें जी अच्छा इसमें हम दिखा नहीं सकते फिलहाल क्या चीज है हाँ जी फातिमा कैसा कैसा रहा जी आपका ट्रिप स्कॉटलैंड का है उसके बाद आपने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है सैमा भाजी दोबारा जाना चाहते हैं लजी कब जा रहा है जी दोबारा गर्मियों में अच्छा जी ईद मुबारक आपको बहुत बहुत और दूसरे नंबर पे ये चीज है रिजी मामू की आपने नमाज कैसे पढ़ी है गाइस ये पहला बंदा है जिसने सुबह 7:30 नमाज पढ़ी है और आप सोए नहीं है पूरी रात ये उसके बाद सोए हैं है? तो आपने कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ी है अच्छा अच्छा तो अभी हम आते हैं आसमान की तरफ आसमान अभी आज आपने बोलना है आपकी ईद कैसी गुजरी हैं आपने कहा नमाज पढ़ी है गाइस ये मेरा प्यारा सा बच्चा है आसमान तो इसने नमाज पढ़ी है शाहजहान में आप किसके साथ गए थे कासिम हारस और अपने बाबा के साथ गया था और उसके बाद आपने क्या किया जी इधर आयो स्टेट खाना खाना खाया अच्छा घर घर पे नाश्ता किया था हैं तो और गाइस आपको हम दिखाते हैं यहाँ की ब्यूटी जिस जगह पे हमने हॉल बुक कराया हुआ है बेसिकली ये एक ईद मिलन पार्टी हो रही है ईद मिलन पार्टी में आसमान भी है मैं भी हूँ और भी सारे गेस्ट हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं अराउंड गाइस ये ब्यूटी है अराउंड वॉकिंग दिस प्लेस कॉल्ड कोजफ पार्क और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़े बड़े हॉल हैं ये नर्सरी है और ये देख सकते हैं आप
ये जो है ये एक बच्ची है, इसका नाम है फातिमा। ये अपना मुंह छुपा रही है। आओगी? आई नहीं हूं। ना ये पहले से आई हुई है फातिमा। गाइस ये छोटी फातिमा है, ये बड़ी फातिमा है। गाइस ये शूटिंग होने जा रही है, ये फिजा शहजाद व्लॉग में लाइव आएगी। डन। खाला ये मेरी प्यारी खाला है गाइस, और इनके साथ मैंने पुरानी वीडियो पहले भी बनाई हुई है। अभी इतने 6 महीनों से यहाँ पे आए थे, अभी इतने पाकिस्तान में फिलहाल नहीं जाना अभी यहीं पे। खाला आपने गीत कैसी गुजारी है? खाला ने गीत बड़ी अच्छी गुजारी है गाइस, और आज हम हॉल में हम फन करने जा रहे हैं, और अभी आपको हम नेक्स्ट बताएंगे कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। और जैन भाई। इसके बाद हम आपको एक नए बंदे से मिलाते हैं, एक नया शिकारी जो इंग्लैंड में आ चुका है, उसका नाम है फिलहाल। फिलहाल क्या कहना चाहते हो इंग्लैंड के बारे में? बहुत अच्छा है, माशाल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ। आपका क्या पैगाम है उन लोगों के लिए जो अभी तक इंग्लैंड नहीं आए, वो आना चाहते हैं? जरूर आए, एक्सपीरियंस करें, एक्सपोजर लें और एंजॉय करें। गाइस अभी नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में फिलहाल हमारे व्लॉग्स का पार्ट होगा, आप जरूर इसको भी फॉलो करें। गाइस ये है यखनी जो सुरैया बाजी ने बनाई है, मामू इसको निकालो उधर से। और इसमें ये सादे चावल हैं, ये रोटियां हैं, और मामू गाइस ये है रोस्ट है माशाल्लाह से। और ये फ्रूट चाट है गाइस, ये आपने बनाई है। अच्छा ये खाला ने बनाई है, खाला ये है कोफ्ते, और गाइस ये है रोस्ट, चिकन रोस्ट है, और इसके अलावा ये देखें चिकन करी, और ये बिरयानी बनाई है बीनी पकड़ो। गाइस ये हमारे नए लोग आ गए हैं व्लॉग में, इधर आ जाओ जी, थोड़ा सा आ जाओ। आपने नमाज कहाँ पढ़ी है? ईद आपकी कैसी गुजरी है? कहीं पे आ रही है? बहुत अच्छी गुजरी है, हमने पढ़ी है शाहजहां नमाज। इसको कौन सी बात गाइस इन्होंने देखे मिले नहीं है मुझे देखने में, नमाज नमाज हमारे साथ पढ़ी है ये मुझे कश्मीर में नहीं मिले हैं, इन्होंने आगे मुलाकात यहाँ पे की है। बहुत छोटा था और मुझे आगे यहाँ पे मिला है, तो बाकी ये हमारे साथ हैं गाइस, आप इनको जानते हैं, स्कॉटलैंड में बड़े मशहूर शख्सियत जो हमें गाइड करते रहे हैं ऑल द वे टूवर्ड्स स्कॉटलैंड। लेकिन ये हमें कह रहे थे कि बर्फ वहाँ पे होगी, लेकिन बर्फ के लिए हमें अगेन वन आवर ड्राइव करनी पड़ी, तो उस जगह पे जाके हमने बर्फ पाई। एक दिन पहले जाते तो वहीं मिल जाती। चलो एनीवे आप एंजॉय करें फूड। अलहमदाबाद। अच्छा जी आप दोनों क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम। बिफोर आफ्टर हो गया मेरा, क्लोजिंग कर रहे हैं गाइस। जो बिफोर था गाइस उसमें कटिंग नहीं थी, अभी आफ्टर में कटेंगे। हेयर कट बिफोर में तो नहीं थी ना, अब आफ्टर हो गया, आफ्टर में हेयर कट है, क्लोजिंग हो रही है। अभी आया हूँ मैं गया हुआ था कहीं पे। अच्छा मैं ईद मिलने गया था कहीं, दोस्तों से मिलने गया। बनाओ
Thank you.